हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक TA7 एंड्रॉयड कार प्लेयर है। इस प्लेयर में टच की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम कहीं और टच कर रहे हैं और वर्क कहीं और हो रहा है। ठीक है, तो ये कई तरीके से ऐसा प्रॉब्लम होती है। किसी प्लेयर में डायगोनल टाइप में वर्क करती है, मतलब कि हम अब जैसे बैक में टच करेंगे तो हमारा रेडियो ओपन होगा, तो इस तरीके से डायगोनल में वर्क करता है। कभी अब टॉप और बटन पे वर्क करता है, कभी लेफ्ट हैंड राइट में वर्क करता है कि लेफ्ट साइड हम कोई टच करते हैं और राइट साइड कोई फंक्शन ओपन हो जाती है। ये किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए हम जैसे टॉप से खींच रहे हैं तो ये हमारा कहीं और से ओपन हो रहा है, ये हम बैक पर अगर कहीं टच करेंगे ये देखिए हमारा रेडियो ओपन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये डायगोनल साइड इस प्लेयर में प्रॉब्लम है। आपके केस में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, टॉप एंड बॉटम में वर्क हो सकती है प्रॉब्लम, या फिर लेफ्ट एंड राइट का प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो हम इसको कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को आइए देखते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे वर्क टच किया ये, तो हमारा रेडियो ओपन हो ब्लूटूथ ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्लेयर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए जैसे हम इसको राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो ओपन हो जाती है, वर्कर था लेकिन यहाँ पे उल्टा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके प्रॉब्लम के लिए कैसे फिक्स करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक माउस होना चाहिए, देन एक USB केबल, जो ये देखिए USB केबल हमारा जो एंड्रॉयड के साथ मिलता है उसके साथ हम माउस को कनेक्ट करेंगे। जो USB केबल हमारी होती है वो 4 पिन की और 6 पिन की होती है, कोई भी एक USB हमारा यूज करेंगे हम, और देन इसको हम एंड्रॉयड से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एंड्रॉयड से कनेक्ट करेंगे हमारे माउस में ये माउस वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये पावर आ गया माउस में, देन देखिए हमारे एंड्रॉयड के डिस्प्ले पे माउस की कर्सर आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें एप्लीकेशन पे ओके करेंगे, क्लिक ऑन एप्स, देन सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन मोर एंड देन कार सेटिंग के बाद हमें एक्स्ट्रा सेटिंग पे क्लिक करनी है और पासवर्ड इंटर करनी है 123456। तो जैसे हम ओके करेंगे ये देखिए हमारे कुछ फंक्शन ओपन हो रहे हैं, और हमें नीचे की साइड इसको स्क्रॉल करनी है। नीचे की साइड ये हमें एक फंक्शन कुछ ये टच एरिया की हमें फंक्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करेंगे। ये हमारा देखिए अब ये कुछ पैनल ओपन हो गया, देन ये हमें पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इसको ये देखिए अब कुछ ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, इसमें बटन लेफ्ट राइट ये हो रहे हैं। इसमें क्या करना है, जैसे कि हमारा जो फिजिकल पैनल की होती है, पैनल की जिसमें प्लस माइनस बैक होम होती है, जिस साइड में हमें ये बटन दिया होता उस साइड को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे इस प्लेयर में लेफ्ट साइड में दिया है तो हम इसको लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे। आपके केस में राइट हो लेफ्ट हो, टॉप में हो या बटन में हो, या दोनों साइड हो लेफ्ट राइट में हो, जैसा हो उसको हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। किसी में टॉप में होती है, किसी में बटन होती है, बटन साइड मतलब नीचे की तरफ होती है, किसी में राइट में होती है, तो हमारे में लेफ्ट है तो हमने लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके केस में कोई भी साइड हो हमें उस पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन बैक करेंगे। अब देखिए हमारा बिल्कुल फंक्शन वर्क करेगा, आप देख सकते हैं हम जो भी टच कर रहे हैं हमें वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपके केस में ऐसे करने के बाद भी ना वर्क कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेशन कर देंगे। ये 5 फिंगर से हमें कैलिब्रेशन होती है, देखिए हम 5 फिंगर अपना टच करके रखेंगे डिस्प्ले पे, तो ये हमें देखिए प्लस करके असाइन आती है, उसको हम क्लिक टच करेंगे, जहाँ जहाँ आएगा उसको हम टच करते जाएंगे। देन टच कैलिब्रेशन के बाद हमारा ये जो टच है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।